तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? अभी मैं हूँ यामा शोरूम में, हमारे बोरमपुर के ईस्टर्न ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो BS6 का रेड कलर का FZ V3 है वो यहाँ पर आ गया है फाइनली। एंड मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी बाइक आए नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट है एंड क्या क्या चेंजेस इसमें किया गया है। एंड इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पावर थोड़ा सा ड्रॉप किया गया है एंड इसका जो टॉर्क है उसको बढ़ाया गया है। तो चलिए आप लोगों को पहले सिनेमैटिक्स दिखाते हैं एंड उसके बाद इसका डिटेल्स बताते हैं। तो स्टे ट्यून, बने रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। तो अभी सारे इंतज़ार के घड़ी ख़त्म हो गया है एंड हमारे यहाँ पर जो रेड कलर का BS6 का FZ है वो आ गया है। एंड मैंने अभी आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट दिखाया है, तो आप लोग बताइए आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट कैसे लगे। एंड ये जो BS6 मॉडल, ये कलर BS6 में ही लॉन्च हुआ है एंड इसी वजह से मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि ये जो कलर था वो अवेलेबल नहीं था। तो ये फाइनली आ गया है। तो दिस इज़ एज क्वाइट सेम एज द प्रीवियस जनरेशन FZ version 3 में। पावर ड्रॉप हुआ है, अभी इसका BHP पावर है करीब 12.4 BHP पावर, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे भी FZ में BHP पहले से कम था एंड अभी थोड़ा सा और भी कम हो गया है। एंड इसका टॉर्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, अभी इसका टॉर्क 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो टॉर्क बढ़ा दिया गया है, तो आपको गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा गियर शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड बाकी सारे फीचर्स काफ़ी सेम है, दिस इज़ एयर कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड जो पावर है वो तो मैंने बता ही दिया है। एंड जो टायर साइज़ है सामने की तरफ है, आपको मिलता है करीब 100 सेक्शन का टायर एंड सामने की तरफ ये रहा ABS का रिंग एंड दिस द सिंगल चैनल ABS। तो देखिए पीछे की तरफ कोई ABS का रिंग नहीं है एंड पीछे जो टायर मिलता है वो हमें मिलता है करीब 140 सेक्शन का टायर, ये भी MRF की टायर मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है MRF का बैकिंग है, ठीक है। तो 140 सेक्शन का टायर है एंड जो काफ़ी हद तक ये कलर एक ग्लॉसी कलर है, एक मैट कलर नहीं है, तो काफ़ी हद तक शाइन कर रहा है एंड इसका शाइन हम लोग बरकरार रख सकते हैं अगर आप लोग कोई पॉलिश वॉलिश करेंगे एंड ठीक से गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो गाड़ी को आप लोग जैसा शाइन है वैसा ही रख सकते हैं। तो मैं ज़रा सा इसको ऑन कर लेता हूँ। तो हेडलाइट तो वैसा का वैसा ही है, यहाँ पर LED दिया गया है, यहाँ पर भी शायद स्टार्ट करने पर LED जलेगा एंड नीचे की तरफ एक छोटा सा पार्किंग लाइट है तो वो बल्ब है। एंड बाइक एक अच्छा सा रोड प्रेजेंस देता है, हालांकि नेकेड बाइक है एंड यहाँ पर मफलर भी था, जो इंजन गार्ड है वो भी दिया गया है। तो अभी भी एक देखिए यहाँ पर कार्बोरेटर वर्शन नहीं है, यहाँ पर देखिए पहले से ही पता है आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन है, जैसे कि BS6 के हर गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन था, होना चाहिए। एंड वैसे भी FZ में पहले से ही फ्यूल इंजेक्शन था एंड द फुटरेस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। इसका सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा सा ग्रैब रेल आपको मिलता है एंड इसका जो चेन है वो चेन भी अच्छा है। एंड यहाँ पर एक साड़ी गार्ड दिया गया छोटा सा है एंड इसका पीछे की तरफ एक मड गार्ड दिया गया, क्योंकि बहुत सारा धूल मिट्टी उठ के सीट की तरफ आता है इसके लिए। तो
तो चलिए अब हम लोग आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल एज इट इज़ पहले की तरह सेम है, दिस इज क्वाइट रिजेंबल्स विथ FZ25। तो यहाँ पर हमको एक स्पीडोमीटर में एक फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें यहाँ पर इंजन बार की इंडिकेटर मिलता है, मतलब फ्यूल बार की इंडिकेटर मिलता है। एंड यहाँ पर एक जो टैकोमीटर है, वहाँ पर जो रेव मीटर है उसको यहाँ पर 10,000 RPM तक जाएगा। यहाँ पर एक स्पीड रिकॉर्डर मतलब स्पीडोमीटर है, यहाँ पर टोटल ट्रिप कितना, टोटल किलोमीटर कितना चला है ये दिख सकते हैं। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ओडोमीटर है, 1 किलोमीटर चला है। यहाँ पर ट्रिप डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, एंड ये शायद टाइम है, ये 8:29 टाइम है। अभी टाइम कुछ अलग है, इसको सेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वार्निंग के लिए हमको अभी ABS का वार्निंग है, यहाँ पर ये इंडिकेटर है, यहाँ पर न्यूट्रल की स्विच है, मैं ज़रा न्यूट्रल कर देता हूँ। एंड बस काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, हाई बीम प्रेशर है यहाँ पर, तो पास ऐसे मिलता है। अगर हम नीचे की तरफ ऐसे पास करेंगे तो इस तरह का पास मिलेगा हमको। एंड काफ़ी सारे फीचर्स, यहाँ पर इंजन किल स्विच है एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन ही है। तो कंसोल तो ऐसा ही है। एंड जो टैंक है, टैंक काफ़ी मस्कुलर लगता है एंड इसको आप काफ़ी अच्छे से अपने थाई से ग्रैप कर सकेंगे। एंड इसका करीब फ्यूल कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो टैंक रेंज है वो करीब 40 से 45 तक का माइलेज देता है, तो अच्छा एक टैंक रेंज मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश के बारे में। तो बाइक को ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द साउंड। तो अगर अब ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो टैंक मिलता है हमें 12.8 लीटर का, कपल विद द 40 से 45 माइलेज, करीब आप लोग इसमें 480 से 500 किलोमीटर एक फुल टैंक में कवर कर सकते हैं। एंड काफ़ी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है एंड बाकी सारे चीज़ तो अच्छा ही है। एंड बाकी जो चीज़ है, BS6 में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। इससे पहले मैंने एक version 3 वाला, जो FZ version 3, उसका चलाने का भी एक वीडियो बनाया था एंड उसको उसका जो वाकरण उसका भी एक वीडियो बनाया था। तो काफ़ी रिसेम्बल्स है एंड यहाँ पर ABS का बैचिंग भी दिया गया है जो पहले की तरह ही था। तो बस ये कलर अपडेट बहुत ही अच्छा है एंड इसका फीचर्स मैंने BS6 लॉन्च किया है, मैं नहीं आ पाया था इसलिए मैंने वीडियो को दे दिया। तो इसके बाद जो एक और कलर है, डार्क ब्लू या मैट ब्लू जो कलर है, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं BS6 जो FZ का जो दूसरा कलर है उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। एंड जो 2020 R15 version 3 BS6 है वो भी लॉन्च हो गया है यहाँ पर, तो उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, show your love in form of like and share and subscribe. So chaliye milte hain next video mein, till then signing off, tata.